इसमें कोई आपको केमिकल दिख रहा है? ये देखिए, देखिए आप लोग भी देखिए, देखिए आज एक सप्ताह पार हो गया, इसमें अगर केमिकल रहता, अगर ओरिजिनल रहता तो ये चिपकता नहीं। की तो आज 13 साल से यहाँ का जो ग्रामीण है, यहाँ का जो पंचायत वासी है, रोड के हम तरस गए हैं। इतना हम लोग परेशान हैं, यहाँ का जितना भी आसपास स्कूल के बच्चे हैं, कोई स्कूल आना, गाड़ी आना नहीं चाह रहा है यहाँ पर, गाड़ी इतना रोड ख़राब है यहाँ पर। इतने दिनों के बाद जब हम लोग ये आशा जगी रोड बन रहा, लेकिन इतना रोड ख़राब बन रहा, ना मटेरियल अच्छा है, ना इसमें केमिकल अच्छा है। रोड इतना देखिए लग रहा है कि 1 mm या 2 mm, कितना 3 mm का रोड बना रहा, 4 इंच का, 1.5 इंच का रोड बना रहा है। इसीलिए इतना ख़राब हो गया कि रात में ही यहाँ काम चल रहा है। इससे पहले हम लोग बहुत झेल चुके हैं इस गांव में, और ये जो शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये गांव की ये रीढ़ की हड्डी है रोड। गांव का जो मेन है, जो मेन हड्डी होता है, ये है रोड। और वही अगर हम लोग का ख़राब रहेगा तो हम लोग का गांव में क्या उन्नति होगा बोलिए? अगर गांव का रोडे ख़राब रहेगा, मान लीजिए शरीर का अगर मेरा रीढ़ का हड्डी ख़त्म रहेगा तो मेरा बॉडी क्या काम करेगा? रोड तो बन रहा है। कहाँ बन रहा है? देखिए ना, ये रोड बन रहा है, ये काला धंधा कर रहा है इन लोग, ठेकेदार लोग ये रोड बनाए हैं। देखिए छूने से उठ जा रहा है, 3 साल का बच्चा लोग उखाड़ के फेंक दे रहा है। आज 6-7 दिन हो गया रोड बनाया हुआ, एक भी चिपका है? देखिए नीचे में कोई केमिकल डाला हुआ नहीं है, ना कोई आपका मटेरियल दिखेगा, यहाँ सिर्फ धूस दिखेगा, बालू, बालू छोड़कर कुछ नहीं है यहाँ पे। उपायुक्त महोदय के जो आज हम लोग 4 दिन आवेदन दिया हुआ हो गया, और अभी तक बोकारो जिला के जो उपायुक्त महोदय है उन्होंने किसी टीम को निरीक्षण के लिए नहीं भेजा, और ठेकेदार जो है वो जबरन काम करने पर उतर आया है। जो कि ना हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश में रोजगार कितनी किल्लत है, लेकिन वो सतालडी बंगाल से मजदूर ला के काम करा रहे थे। इससे पहले जो मीडिया भाई आए हुए थे, हम उन पर ये बात बता चुके हैं कि सतालडी के लोगों को झारखंड में रोजगार दिया जा रहा है, जो कि ना हमारे घर के अगल बगल के लोग बेरोजगार है। तो ये सब चीज में विशेष करके जिला प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करते तो आप लोग आगे क्या करेंगे? जिला प्रशासन यदि कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग सड़क मंत्री का पुतला दहन करके हम लोग उपायुक्त महोदय के वहाँ धरना प्रदर्शन करने का, पूरे ग्रामीण लमसम 5 से 10 हजार के जनसंख्या में बैठने का नाम। इस विषय में सरकार से ही कहना चाहूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके आप इसको जैसे भी लगा के इसको हटाइए, उसके बाद इसको डस्ट को हटाए, उसको आराम से मटेरियल डालिए। जब तक ग्रामीण सहमत नहीं होगा तब तक ये रोड नहीं बनेगा।